जीवित पुत्र का व्रत बेहद महत्वपूर्ण और कठिन व्रतों में से एक है। माताएं अपने संतान की सलामती, अच्छे स्वास्थ्य और लंबी आयु की कामना से इस व्रत को रखती हैं। इस व्रत में माताएं पूरे दिन और पूरी रात निर्जला व्रत रहती हैं। इस व्रत को जीतिया व्रत के नाम से भी जाना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन भगवान जीमूत वाहन के पूरे विधि विधान से पूजा अर्चना का विधान है। हिंदू पंचांग के अनुसार हर साल अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को जीवित पुत्र का व्रत रखा जाता है। काशी के ज्योतिषाचार्य स्वामी कन्हैया महाराज ने बताया कि इस साल जीतिया व्रत 25 सितंबर को रखा जाएगा। पंचांग के अनुसार इस साल अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि की शुरुआत 24 सितंबर को दोपहर 12:40 से शुरू हो रहा है, जो अगले दिन यानी 25 सितंबर को दोपहर 12:15 तक रहेगा। ऐसे में उदया तिथि के मुताबिक जीतिया व्रत 25 सितंबर को ही रखा जाएगा। जीतिया व्रत की शुरुआत नहाय खाय से होती है। जीतिया व्रत के एक दिन पहले माताएं इस परंपरा के तहत शुद्धिकरण के लिए स्नान के बाद भगवान ज्योत महान का उपासना और ध्यान करती हैं। उसके बाद बिना लहसुन और प्याज के शुद्ध और सादा भोजन ग्रहण करती हैं। इसके अगले दिन पूरे 24 घंटे तक महिलाएं निर्जला व्रत रखती हैं और सरोवर और गंगा किनारे कथा सुनती हैं।